प्रार्थना को मिला असुर का सबूत, प्रोफेसर की हुई मौत, टीवी सीरियल नागिन 6 में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिला है। ट्विस्ट के तहत प्रोफेसर की मौत दिखाई गई है। दरअसल ये वही प्रोफेसर है जिन्होंने शेष नागिन प्रथा की मदद देश को असुरों से बचाने के लिए की थी, लेकिन अब उसी प्रोफेसर की मौत हो गई है। प्रार्थना जो प्रोफेसर की बेटी है और प्रार्थना पर होने वाले हमले की आशंका जब प्रोफेसर को हुई तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमला होने वाला था। एपिसोड में चेंग की वापसी दिखाई गई है। दरअसल ये चेंग वही इंसान है जिसने 20 साल पहले देश पर हमला करने की साजिश बनाई थी और उसी साजिश को प्रथा और ऋषभ ने मिलकर नाकाम किया था। चेंग की वापसी हुई है और अब चेंग और ज्यादा खतरनाक हो गया है। वो लोगों की हत्या इस तरह से कर रहा है ताकि किसी को भी शक ना हो, उनकी डेथ नेचुरल लगे। अब तक 3 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है जो देश के लिए बड़े बड़े काम कर रहे थे। प्रोफेसर को भी इस बात की जानकारी मिल गई थी कि साजिश के तहत लोगों की हत्याएं हो रही हैं और इसे कोई अंजाम दे रहा है। प्रोफेसर ये जानकारी रुद्र को बताना चाहता था और उसने ये जानकारी रुद्र को दे दी है कि नामचीन लोगों पर जो हमला हो रहा है वो किसी की साजिश है। प्रोफेसर को ये यकीन है कि रुद्र वो इंसान है जो मामले की तह तक पहुंच पाएगा और उसने इशारे में रुद्र को भनक दे दी है। अब देखना ये होगा कि प्रोफेसर जिसने रुद्र को ये बताया है कि ये पूरे हमले साजिश के तहत हो रहे हैं, रुद्र उन हमलावरों तक पहुंचने में कामयाब होता है या नहीं। आपको बता दें कि प्रोफेसर ये नहीं चाहता था कि प्रार्थना पर असुर का हमला हो और वो मौत के घाट उतर जाए, इसलिए वो खुद इस हमले का शिकार बनने के लिए वहां पहुंचा और ऐसे में प्रोफेसर खुद वहां अपनी बेटी को बचाने पहुंचा। वो बेटी को बचाने में तो कामयाब हो गया लेकिन वो खुद जंगली सुअर का शिकार हो गया है। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं।